तो हमारा आज का जो टॉपिक है हाउस प्लान के ऊपर है। इसमें आप टैक्स वगैरह को हटा सकते हैं, टैक्स वगैरह हमको नहीं चाहिए, टैक्स तो वैसे भी नहीं चाहिए, टैक्स वगैरह डिलीट कर सकते हैं। ये पोर्च है, ये भी टैक्स वगैरह आप रिमूव कर दो, ये चीज मेरे को चाहिए, बाकी वाला कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें यूनिट देख सकते हो आप, यूनिट क्या चल रही है, आर्किटेक्चर ले रखी है यहाँ पर, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ले सकता हूँ। डी में जाकर देखो वहां पे क्या चल रही है, वहां पर भी आपको यही सेम की सेम लेनी है। सेट करंट डेट मीन क्लोज, तो सबसे पहले हम इसमें वॉल क्रिएट करेंगे। वॉल क्रिएट करने के लिए हम कमांड जो यूज करेंगे उसका नाम है बॉक्स। हम एक्सट्रूड से नहीं कर सकते तो हम करेंगे बॉक्स कमांड का यूज, BOX कमांड, बॉक्स। बॉक्स कमांड लगाई, इस पेज की भाई फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट आप यहाँ दे दो, हाइट देनी है। हम जो हमारे हाउस की जो इसमें हाइट है ना वो हम रखेंगे 11 फीट, नॉर्मल 11 फीट अभी रख रहा हूँ, बाद बढ़ा भी सकते हैं। इसने 1 फीट ही ली, 11 फीट ली नहीं, वापस करो। BOX बॉक्स लगाया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 11 फीट, यहाँ पर भी सेम रहेगा। अरे अपने एक बार आपने हाइट दे दी ना तो बार बार हाइट देने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो, बाकी डिफॉल्ट वो जो चल रही है ना वही हाइट लेगा, एक बार दे दी ना वही लेगा। जितनी भी वॉल्स दिख रही है वो सारी क्रिएट कर दो। ठीक है, इस तरीके हो गई। अब आपको ये वाली वॉल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। बॉक्स लगाओ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यहां से यहां तक हो जाएगा, फिर थर्ड हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले लो, पूरा ले लो वहां तक। ये वॉल तो कम दिख रही है ना, इसको आप यहाँ से देखो, तो इस पॉइंट से ना इसको स्ट्रेच मतलब बढ़ा सकते हैं यार, बढ़ा दिया। अब मैं इस सब पूरी वॉल को एक वॉल में कन्वर्ट करने के लिए करूंगा यूनियन, UNI, यूनियन, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट कर लो। सब एक हो गई हमारी, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना मेरे को तो वो सेट्स ऑफ ग्रे दिख रहा है, हम ज्यादातर यूज करते हैं ना यहाँ से, वो करते हैं सेट ऑफ सेट्स विथ एजेस, ये वाला कलर सही होता है, सेट विथ एजेस। ठीक है, इस वाले हाउस को मैं राइट क्लिक करूं, तो राइट क्लिक करूंगा, एंटर लेगा यहाँ पर मेरा, राइट क्लिक में एंटर देगा, तो सेलेक्ट करके कमांड लगानी है हाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये विंडो है तो बॉक्स कमांड लगाई, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हाइट जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं 5 फीट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप डोर की एक बार डायमेंशन चेक कर लें, DLI से भी कर सकते हैं और DIGEST कमांड से भी कर सकते हैं। 3 फीट आ रहा है और ये इसका मेन गेट है ना, तो हम ये बॉक्स जो दरवाजा बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 3 फीट नहीं रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। एक बार मैं बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर, 8 फीट हाइट लूंगा इसकी, वैसे होता 7 फीट ही है ना, हम 8 फीट ले रहे हैं इसलिए कि मेरे को चाहिए था। मैंने 6 इंच दरवाजे को बढ़ा दिया, 6.5 फीट का कर दिया मैंने, 3.5 फीट का कर दिया सॉरी। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर भी दरवाजा दे सकते हो, बट इधर नहीं चाहिए मेरे को पोर्च में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्किंग एरिया आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा।
ये हो गया। इसके बाद इस विंडो को आपको बेस लेवल से 3 फीट ऊपर, 3 और 5 हो गए 8, जो डोर का लेवल होता है ना टॉप वाला और विंडो का टॉप लेवल दोनों इक्वल होते हैं, 3 फीट ऊपर कर दो। हो गया 3 फीट ऊपर मूव से। अब आपको यहां पर देखो कि बॉक्स कमांड लगानी है आपको, यहाँ पर ये बॉक्स भी क्रिएट करना है आपको। हाइट कितनी रख देते हैं, हाइट रखते हैं इनकी में 10 फीट। पिलर है ये, अभी बताएंगे, पिलर है ना, बॉक्स में पिलर है ये, दरवाजा है ये, पिलर है, और यहाँ पर एक ग्रिल्स लगेगी, ग्रिल इसकी हाइट में रखता हूं 3 फीट। इन दोनों वॉल को तो आप यूनियन कर दो, ठीक है, दोनों को यूनियन कर दिया। अब आपने जो हाइट कर रखा है ना उसको अनहाइट कर दो। एक तो वो चीज कर सकते हैं, अनहाइट किया मैंने, और आप सबको इनमें से सब्ट्रैक्शन करो, हटाओ एक दूसरे को, ठीक है। बट क्या हो गया कि जो मैंने ये बॉक्स करे थे ना यहाँ पर, अभी मैं हटाऊंगा नहीं इसको, मैं हाइट सिलेक्शन करता हूँ। ये वाला पार्ट जो मैंने ना 3 फीट उठाया ना, इसको ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कमांड जो यूज कर लेंगे वो प्रेस पुल कर लेंगे। मैं यहाँ तक ले रहा हूँ अभी, दोनों लिया ना पूरी ले रहा हूँ हाइट। अब मैं इसको करता हूं अनहाइड, आ गया। अब करना है SUV, सब्ट्रैक्ट, सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट एंटर, एक एक भी कर सकते हो, नहीं तो आप साथ में भी कर दो, एंटर कर दो, ये वाला और ये पिलर सब सेलेक्ट कर लो। एक दो, गलती से वो हो जाए ना सिलेक्ट, अभी तो शिफ्ट से अनसेलेक्ट करना आना चाहिए आपको, शिफ्ट दबाओगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये दरवाजा भी लेना है, एंटर कर दो, ये इसमें से सब्ट्रैक्शन हो गया सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, प्लान में जाकर हम मेजरमेंट चेक भी कर सकते हो ना। 2D वायर फ्रेम करा यहाँ से, ये जो है ना यहाँ से तो हमारा ये 10 फीट लेवल पर है, तो 10 फीट लेवल पर ये भी रहेगा, ठीक है। 10 फीट लेवल पर, 10 फीट लेवल पर ये रहेगा, रहेगा फिक्स है हमारा, ये 10 फीट लेवल से ये 10 फीट ऊपर है, तो 1 फीट हमारा ऑलरेडी, हमें विंडो हमारा मतलब हमारी जो है ना वो 1 फीट तो ऊपर अभी अवेलेबल अभी है एट प्रेजेंट टाइम। इसके बाद 2 फीट और ऊपर करना पड़ेगा, वो अभी आगे जाएंगे, पहले उसको कंप्लीटली करते हैं। डैश व्यू सेट लगाते हैं एक बार हम, तो ये पिलर्स आ गए, ये चीज आ गई। अब मेरे को ये ग्रिल्स क्रिएट करनी है, ग्रिल्स ये वाली, तो यहाँ पर तो मैं एक ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, प्रेस पुल से भी कर दूंगा, नहीं तो फिर आप करोगे बॉक्स कमांड से भी हो जाएगा। बॉक्स कमांड से ही करते हैं, अभी बॉक्स कर रहे हैं तो बॉक्स कमांड से सारा यूज करते हैं। हाइट रखूंगा 1.5 एंटर, UNI एंटर, सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर, इसको भी कर दो। इस वाले पार्ट को आप यहां से उठाओ और इसको ऊपर करना है, 1.5 इंच ऊपर मूव करना है, करा। फिर सेलेक्ट करके आपको कॉपी करना है, वो भी करना है 1.5, हो गया। अब इस नीचे वाले को सेट रहने दो,
कमांड लगाओ कॉपी, कॉपी में बेस मान तुम्हें ये दे दिया, कमांड लगाता हूँ एरे लेता हूँ, इसका अंदर एरे आता है कॉपी के अंदर, कॉपी के अंदर एरे आता है, मैंने कर दिया 50 आइटम, और सेकंड पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर, ये वाला डिलीट कर देता हूँ। पचास कॉपी हो जाएगी एक साथ, कॉपी एरे करेंगे तब। ये हो गया हमारा, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाली ग्रिल्स भी ऊपर लेनी पड़ेगी, ये मैं ऊपर ले जाता हूँ 10 फीट ले जाता एक बार को, 10 फीट लेके वो इसके अंदर चली गई। अब यहां से आपको नीचे मूव करना है, वो करना 3 इंच, 3 इंच करूंगा तो 1.5 इंच तो इसमें गैप आ जाएगा, 1.5 इंच नीचे आ जाएगी। अब इसको आप नीचे ऊपर कॉपी करो, 1.5 एंटर, ऊपर वाला सिलेक्टेड है हमारा, कमांड लगानी है सीओ कॉपी बेस पॉइंट ए एंटर आइटम 9 दे देगी, और सेकंड पॉइंट दे दूंगा यहां पर, या मैं लिख भी सकता हूं सेकंड पॉइंट को, तो 3.5 गैप आ गया था, तो गैप आ गया कम करना था, गैप सब में बराबर रखना है ना, उतना जितना इसमें रखना है उतना इसमें रखना है, फालतू में ज्यादा गैप नहीं चाहिए हमको। तो कमांड सीओ कॉपी बेस पॉइंट मेरा ये रहेगा, ए एंटर 9 आइटम, और सेकंड पॉइंट याद दे दूंगा इस वाले को डिलीट। हो गया, इस वाले पार्ट को हाइड ऑब्जेक्ट कर दो, और इन पूरी ग्रिल्स दिख रही है ना ग्रिल्स, इसको कर दो यूनियन, दोनों को साथ में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो यूनियन होता है ना वो 2D लाइनों को यूनियन नहीं कर पाता है ना, ओनली 3D ऑब्जेक्ट को यूनियन करता है। अब अनहाइड कर दो आप, ये आ गई आपकी ग्रिल्स, देखो सब साथ वर्किंग दिन सब एक हो जैसे हो जाएंगे ना, जो अभी मेरा हो रहा था बार बार। अब ये तो हो गया, अब मेरे को यहां पर मैं बॉक्स क्रिएट ही करूंगा वापस, बॉक्स कमांड से पहला पॉइंट यहां दूंगा, सेकंड पॉइंट मैं यहां दूंगा, हाइट दे दूंगा 2 फीट, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा आपका। अब इनको भी आप यूनियन कर सकते हो, डेट मीन्स करना चाहो तो, बट कोशिश करना कि यूनियन करें नहीं, क्योंकि नहीं तो यूनियन कर दोगे ना बार बार, इस बार एक्सप्लोडेड वगैरह में बहुत दिक्कत आती है, कभी होता ही नहीं है कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको अलग अलग ही रहने दे दो। ये हो गया, अब आपको क्या करना है, यहां पर छज्जा क्रिएट करना है, छज्जे में नीचे इसने दे रखा है यहां पर 2D वाला सरफेस, तो फिर मैं इसको यहां से सीधा बॉक्स क्रिएट करूं, हाइट दे देता हूं, तारिंग देके देखता हूँ, सही है, एम एंटर, सेलेक्ट एम एंटर ऊपर कर देंगे इसको 4 इंच, ये आगे आगे इसका छज्जा, ठीक है हो जाएगा।
कमांड यूज करी थी बॉक्स, हाइड ऑब्जेक्ट, यूनियन, क्या सब्ट्रैक्ट तो करी थी। हाँ क्या नई कमांड तो बॉक्स करी थी, और तो कोई यूज करी नहीं, बॉक्स ही करी थी नई कमांड तो, बाकी रिपीटेशन हो रहा पुराने वाली कमांड हो जाएगा। मैं आपको प्लान भेजू फिर। पहले हमको बनाना पड़ेगा उसका नहीं, बनाना पड़ेगा। मैं आपको